अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल आफ इन बुटीक आज की इस वीडियो में आप लोगों को बटरफ्लाई का आफ्तान के फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बचाएँ ताकि हमारे ऐसी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे तो इस आफ्तान के लिए मैं सीक्वेंस के नेक डिज़ाइन ली हूँ एक ये हमारी कटवर्क लेस है आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी है कटवर्क लेस पाइप की है ये हमने एट मीटर जितनी लेनी है यहाँ पे मैं गेजिंग जो ली हूँ दो मीटर और इसकी अर्ज है पचपन इंच और ये अस्तर की फैब्रिक ली हूँ मैं एक मीटर अस्तर की फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड में रख लेनी है आप देख सकते इस तरह से और इसकी लेंथ है यहाँ पे चौंतीस इंच अब हम यहाँ पे कांधी के लिए निशान लगाएंगे छः इंच और आर्म होल के लिए भी हम छः इंच पे निशान लगाएंगे और अभी दोनों निशान को हम मिला देंगे अब यहाँ पे हम चेस्ट के लिए फोर पार्ट लगाएंगे और डेढ़ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और यहाँ से हमने पंद्रह इंच पे निशान लगानी है वेस्ट के लिए वेस्ट का भी हम फोर्थ पार्ट लगाएंगे यहाँ पे साढ़े छः इंच और यहाँ पे डेढ़ इंच मार्जिन के लिए अब इस निशान को हम मिला देंगे और नीचे की साइड इस तरह से हम इंची टेप की मदद से मिला देंगे यहाँ पे हम फ्री हैंड से आर्म होल के लिए राउंड शेप देंगे और अंदर की साइड हाफ इंच पे भी एक फ्रंट के लिए होल देंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब हमने अपनी जॉर्जेट के फैब्रिक को लेंथ वाली साइड से पकड़ते हुए अर्ध वाली साइड की तरफ डबल फोल्ड में कर लेनी है इस तरह से अब हमें ये दोनों को मिलाते हुए फोर फोल्ड में कर लेनी है इस तरह से ये हमारी जो फोल्ड वाली साइड है उसे हम अपनी तरफ रखेंगे और ये हमारी खुली वाली साइड है आप देख अच्छे से इस तरह से फोर फोल्ड करने के बाद हमारी लेंथ है यहाँ पे थर्टी एट इंच अब यहाँ पे हमें मिडल में एक निशान लगा लेनी है ताकि हमारा नेक ड्रा हो जाए बिल्कुल अच्छे से अब यहाँ पे मिडल में हम एक लाइन लगा लेंगे निशान यहाँ पे मैं फ्रंट नेक की ड्रा करूँगी और इस साइड बैक नेक की यहाँ पे हम तीन इंच चौड़ाई देंगे नेक के लिए और इसकी लेंथ साढ़े चार इंच इसे हम राउंड शेप दे देंगे और बैक साइड में भी हम चार इंच देंगे और यहाँ भी हम राउंड शेप दे देंगे ये हमारी फ्रंट वाली साइड है और ये हमारी बैक वाली साइड अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से हमारी नेक की कटिंग हो गई है बिल्कुल अच्छे से अब इसे हम फिर से फोर फोल्ड में ही कर लेंगे और अब यहाँ पे हमने हाई लो के लिए निशान लगानी है तो यहाँ से हमारी जो लेंथ रहेगी यहाँ पे तैतीस इंच तैतीस इंच से यहाँ पे हम सेप दे देंगे इस तरह से इस तरह से ये हमारी सेब वाली कटिंग हो गई अब यहाँ पे हम स्लिप्स के लिए निशान लगाएंगे बारह इंच पे और यहाँ से हमारी बची हुई फैब्रिक को कट कर देंगे मिडल से इस तरह से हमारे जॉलेट की फैब्रिक पे कटिंग हो गई बिल्कुल अच्छे से अब हम अपने अस्तर के फैब्रिक पे नेक की कटिंग कर लेंगे ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट है यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई तीन इंच देंगे और इसकी लंबाई साढ़े चार इंच फ्रंट के लिए और यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे नेक के लिए भी चौड़ाई हम तीन इंच देंगे और इसकी लंबाई चार इंच और इसे राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले कांधी ज्वाइंट कर लेनी है यहाँ पे। हाफ इंच से भी थोड़ा कम ही यहाँ पे सिलाई लगाएं इस तरह से मैं कांधी पे सिलाई लगा ली हूँ अब यहाँ पे हमने रेब पट्टियाँ लगानी रेब पट्टी लगा कर यहाँ पर हम पाइपिंग बना लेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ से मिलाते हुए रखेंगे और पीछे के साइड पलट लेंगे इसी सेम तरह से हमने आर्म होल पर पट्टियाँ लगा लेनी है ये हमने पट्टी लगा ली आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से अब इन यहाँ पे हम अपनी साइड की सिलाई लगा लेंगे ये मैं साइड की सिलाई लगा ली और नीचे की साइड भी मैं दामन की जैसे राउंड करके मोड़ ली हूँ आप देख सकते हैं अब हमने अस्तर की फ़ैब्रिक को जॉर्जेट की फैब्रिक से अंदर की तरफ मिलाते हुए राउंड रखते हुए गले पे सिलाई लगा लेनी है तरह से मैं सिलाई लगा ली अब मैं आप लोगों को सीधी साइड से दिखाती हूँ सीधी की तरफ करने के बाद हम यहाँ पे चाप की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे मैं चाप की सिलाई लगा ली हूँ अब हम हर साइड पर डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाते हुए मोड़ लेंगे आस्तीन की तरफ भी इस तरह से सेम हम इस साइड भी कर लेंगे ये मैं सिलाई लगा ली हूँ आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से अब यहाँ पे हमारी फ़िटिंग्स की सिलाई लगानी है ये हम बिल्कुल अस्तर के फ़ैब्रिक के पास से ही लगाएंगे लेकिन अस्तर की फैब्रिक हमारी सिलाई में नहीं आनी चाहिए और यहाँ से हम पाँच इंच की दूरी पे लगाएंगे नीचे की साइड से ये मैं साइड की सिलाई लगा ली हूँ ये हमारी फ़िटिंग्स वाली सिलाई है अब हमने यहाँ पे लैस लगानी है तो लैस आप देख ले किस तरह से हमें लगानी है लैस को मैं पीछे की साइड से लगाऊंगी नीचे की साइड से मतलब उल्टी साइड से यहाँ पे रखूँगी और यहाँ पे हाफ चाप की मदद से यहाँ पे लगाऊंगी किस तरह से आप देख लें ये हमारी वर्क वाली लैस है इसलिए मैं यहाँ पे हाफ़ चाप की मदद से लगा रही हूँ इसे इस तरह से लेस हमारे पूरे घेरे में बिल्कुल अच्छे से लग गई है या मैं स्लिप्स के कट के पास भी यहाँ पे अच्छे से लगाई हूँ आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हम अपने नेक डिज़ाइन को बिठा लेंगे या मैं सुनसुती की मदद से बिठाऊँगी ये हमारी नेक बिल्कुल अच्छे से लग गई है सिलाई और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस भी बैठी है और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर भजाया ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और बहुत सारी प्यारी प्यारी, प्यारी कमेंट करें थैंक यू सो मच